सो गाइस फाइनली हमारे पास आ चुका है मोटोरोला एज 50 प्रो। इस वीडियो में इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जानेंगे इस फ़ोन के बारे में, इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में और भाई क्या क्या इसके मेन हाईलाइट हैं। ऐसे में आप न्यू फ़ोन बाय करने की सोच रहे हो या फिर ये फ़ोन बाय करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं ओवरऑल किस तरह का ये फ़ोन यहाँ पर होने वाला है। सो बॉक्स खुल चुका है और भाई हमारा फ़ोन भी आ चुका है। इसके नीचे है एक और पैकेट भाई, जिसके अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके अंदर होने वाला है इसका कवर वगैरह। भाई सबसे पहले इसी को ओपन कर लेते हैं। सो ये हो गए इसके यूजर मैनुअल वगैरह, जिसके अंदर हमें यहाँ पर पिन भी मिलती है, सिम इजेक्टर पिन। बाकी इसके साथ जो कि केस है थोड़ा यूनिक टाइप का है, बेसिकली जो जिस फ़ोन का कलर है वही यहाँ पर जो केस हमें मिला है। और भाई साहब ये क्या है, अमेजिंग भाई, फ़ोन के साथ जो यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर दे दिया इन्होंने इस बार। और ये मेरे को जो लग रहा है ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का लग रहा है, मेम्ब्रेन जो आती है ना, मेम्ब्रेन टाइप का लग रहा है भाई। सो भाई कुछ तरह का केस है जो इसके साथ मिला है हमारे फ़ोन के साथ में, निकालते हैं। ये आ गया हमारा फ़ोन, इसको भी रखते हैं साइड में। भाई ये है यहाँ पर USB टाइप सी टू टाइप सी केबल है, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर यूज़ होने वाली। और भाई इसके साथ जो चार्जर है ना भाई, काफ़ी तगड़ा चार्जर होने वाला है भाई, ऐसा वैसा चार्जर नहीं है। ये देखिए भाई, ये है 125 वाट का पावर टर्बो चार्जर भाई, जो काफ़ी हैवी यहाँ पर मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है काफ़ी फास्ट यहाँ पर फ़ोन को चार्ज भी कर देगा। सो गाइस जब फ़ोन को निकालते हैं बाहर, भाई ये पैकेट है ना सारे इन्होंने बनाए हुए पेपर के बनाए हुए भाई। ओ भाई साहब, फ़ोन अभी नीचे जाते जाते बच गए यहाँ पर। ओहो क्या बात है भाई, फ़ोन का डिज़ाइन देखिए भाई। हाँ भाई साहब, फ़ोन का जो बैक पैनल है इसमें से भी खुशबू आ रही है भाई, क्या ज़बरदस्त, इसमें से फ्रेगनेंस निकल रही है, बॉक्स में से निकल रही, फ़ोन के अंदर से ही निकल रही है। फ़ोन देखिए एक बार भाई, क्या ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है भाई। फ़ोन के ऊपर किसी तरह का यहाँ पर प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर जो फ़ोन के साथ अलग से दिया हुआ है इन्होंने भाई, कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है। मोटोरोला S40 भी, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लेना, जो कि कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन था, तो उसका ये सक्सेसर कहा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको जो सेटअप कर लेते हैं। सो गाइस सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और भाई आप शॉक हो जाएंगे, इसके अंदर ऐप वगैरह कुछ ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहे भाई। ये देखिए, और यहाँ नीचे की तरफ ये सारे ऐप यहाँ पर दिखा रहा है, बेसिकली ब्लॉटवेयर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो पूरा फ़ोन जो है नीट एंड क्लीन है भाई। डिस्प्ले इसकी नो डाउट काफ़ी सुपर्ब लग रही है भाई, साइड से जब इसको इस तरह से निकालते हैं ना भाई, जो कर्व होकर डिस्प्ले निकलती है ना वो काफ़ी कूल लगती है। बेसिकली फॉर्म जो प्रीमियम टाइप आपको जो रू फील कराने वाला भाई। साइड में अगर बात करें तो साइड में यहाँ पर इस साइड में कोई भी पोर्ट्स वगैरह नहीं है, और इस साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, और यहाँ पर जो एक और माइक मिल जाता है यहाँ पर, और ये नीचे साइड यहाँ पर जो सिम ट्रे, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है, जो कि स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है बेसिकली ये फ़ोन। और वहीं टॉप साइड में यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर माइक मिल जाता है भाई। बैकग्राउंड से जो भाई फ़ोन कुछ इस तरह का है, जो कि वीगन लेदर फिनिश में है, यहाँ भाई मोटरोला लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसका कुछ तरह का स्टिकर टाइप का यहाँ पर है, हालांकि स्टिकर नहीं है, बॉडी के अंदर ही है। जो कलर है ये लक्स लेवेंडर करके है, और भाई यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है, कैमरा सेटअप है, देखने में लगता है कि फोर कैमरा सेटअप है, हालांकि ट्रिपल कैमरा सेटअप है यहाँ पर। सो भाई फ़ोन की थिकनेस की बात करें, फ़ोन की थिकनेस जो है 8.2 mm है। वहीं फ़ोन के वेट की बात करें, लगभग 189 ग्राम के समथिंग फ़ोन का वेट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी कूल है, और प्रीमियम टाइप का फील आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो देने वाला है फ़ोन के अंदर मिलता है। हेलो UI जो कि एंड्रॉयड 14 बेस्ड है। इस बार काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, लाइक आप यहाँ पर रैम देख सकते हैं, मेमोरी वगैरह देख सकते हैं अवॉर्ड होने में। भाई ये चीज़ मेरे को काफ़ी कूल लगी भाई, जैसे अदर फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, उनमें डिटेल वगैरह प्रॉपर आती है ना, वैसे यहाँ पर जो काफ़ी ये सही लग रहा है इस बार, जो कि हेलो UI मिल जाता है इसमें। और भाई ये सिम ट्रे आ चुकी है बाहर, तो यहाँ पर सिम वन डलने वाला है, और वहीं बैक साइड में यहाँ पर सिम टू डल सकता है। बेसिकली इस फ़ोन में फिजिकल सिम ही डलती हैं, दो सिम, ई सिम नहीं इसमें सपोर्ट करता है। सो भाई फ़ोन की डिस्प्ले की अगर बात करें, इस फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंच की 1.5K 3D कर्व PoLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट जो है भाई 144Hz, भाई वर्ल्ड की पहली ऐसी डिस्प्ले है जो 1.5K में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। भाई जो डिस्प्ले है पैंटोन सर्टिफाइड है भाई, ये फ़ोन जो है पैंटोन सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलती है, और भाई यहाँ पर जो कैमरा भी है वो भी पैंटोन सर्टिफाइड है। भाई सेफ्टी रेटिंग वगैरह की अगर बात करें, इस फ़ोन के अंदर IP68 की रेटिंग मिल जाती है। बेसिकली आप इस फ़ोन को पानी में डुबो सकते हैं, अंडर वाटर वीडियो वगैरह आप जो ईजिली आप जो शूट कर पाएंगे, पानी में भीजा या फिर नॉर्मली बारिश में
भीग जाए तो फोन को कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस फोन में जो प्रोसेसर मिलता है भाई, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर 2.63 गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर है भाई। अंतु स्कोर की अगर बात करें, इस फोन का जो अंतु स्कोर निकल के आता है वो 8 लाख प्लस आता है, जो कि काफ़ी सही है भाई। ये वेरियंट है 12GB 256 वाला, इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक जाता है 8GB 256 GB और 12GB 256 GB। सो भाई इसका जो रैम टाइप है भाई, रैम टाइप है LPDDR4X करके, वही स्टोरेज टाइप जो है 2.2 है, जो कि इस प्राइस रेंज में मुझे लग रहा है इसमें 3.1 तो स्टोरेज टाइप मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी इस फोन में। सो भाई इस फोन की अगर बैटरी की बात करें, इस फोन के अंदर बैटरी मिल जाती 4500 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है। ऐसे में जो फोन स्लिम बनाया गया है, जिस वजह से बैटरी को 4500 mAh रखा गया है, अदरवाइज 5000 mAh की बैटरी अगर होती तो इतना स्लिम फोन देखने को यहाँ पर नहीं मिलता भाई। इसके साथ जो चार्जर मिलता है वो मिलता है 120W का टर्बो पावर चार्जर, जो कि काफ़ी जल्दी काफ़ी फास्ट आपके फ़ोन को यहाँ पर चार्ज करने वाला है भाई। ये फ़ोन जो है पहला ऐसा फ़ोन है 50W की जो वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और भाई पहला ऐसा फ़ोन है जो कि इतने कम प्राइस में 10W की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बेसिकली इस फोन से आप एक और फ़ोन चार्ज कर सकते हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता होगा, है ना, काफ़ी कमाल की चीज़ भाई। अगर इसके UI की अगर बात करें, इसमें जो UI मिलता है भाई, वो मिलता है हेलो UI, जो कि एंड्रॉइड 14 बेस्ड है, जो कि काफ़ी सारी डिटेल्स में देखने को मिलती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मतलब उससे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि मोटोरोला में पहले से आता है, क्योंकि उस वाले UI में जो ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती, इसमें थोड़ा सा बेसिक डिटेल ऐड कर दी गई। कंपनी ने भाई यहाँ पर जो प्रॉमिस किया है भाई, 3 साल के OS के अपडेट मिलने वाले भाई, 3 एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। हालांकि भाई 3 साल बाद में तो ज़्यादातर लोग फ़ोन यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 4 साल तक कोई रेयर यूज़ करता होगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप है यहाँ पर, जो मेन कैमरा है वो 50MP का OS कैमरा, जो अपर्चर साइज की बात करें 1.4 है, और ये पेंटोन सर्टिफाइड कैमरा है। और यहाँ पर जो ये कैमरा दिख रहे हैं ये 10MP का टेलीफोटो कैमरा, जिसके अंदर 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है भाई। यहाँ पर ये कैमरा दिख रहा है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा 13MP का, जो कि ऑटो फोकस के साथ यहाँ पर आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा भाई, नीचे की तरफ LED फ्लैश मिल जाती है इसमें भाई। जो फ्रंट कैमरा इसके अंदर मिलता है भाई, वो मिलता है 50MP का फ्रंट कैमरा, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा है, मतलब फोटोज़ वगैरह तो जबरदस्ती यहाँ पर आने वाली है। सो भाई कैमरा का इंटरफेस किस तरह का, बाय डिफॉल्ट फोटो पे होता है, पर आपको 1x का ऑप्शन मिल जाता है, 2x का, 3x का भाई, मैक्स जूम जो आप कर सकते हैं वही 30x तक कर पाएंगे भाई। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर साइड में मैक्रो लेंस का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है भाई। आप जो फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फोटो वाले में आप फुल HD 4K में रिकॉर्ड कर पाएंगे, और वहीं FPS वगैरह आप जो चेंज करना चाहें 30fps 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप जो 60fps पर रिकॉर्ड करेंगे आप यहाँ पर जो 4K में नहीं रिकॉर्ड पाएंगे, बेसिकली 4K में आप जो 30fps पर ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो यहाँ पर HDR10 का भी ऑप्शन मिल जाता है, HDR10 के साथ भी यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई। साइड में यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, स्लो मोशन में HD फुल HD, और FPS की बात करें वो 240fps और जो 120fps, पोर्ट्रेट में 24mm 35mm 50mm 85mm, बाकी प्रो मोड का ऑप्शन मिल जाता है भाई। साइड में स्कैन का मिल जाता है भाई, मोर में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, स्पोर्ट कलर, नाइट विजन, पैनोरमा, अल्ट्रा, डुअल कैप्चर, फोटो बूथ, टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन यहाँ पर जो मिल जाता है भाई, ये काफ़ी सही है, काफ़ी कूल ऑप्शन मिल जाता है इसमें, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं डुअल कैप्चर वगैरह के। सो भाई फ्रंट कैमरे में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे हम फ्रंट कैमरे स्विच करते हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, एक मोड ये है, एक ये है, अच्छा ये थोड़ा सा वाइड होगा, ये थोड़ा सा जूम होगा, हालांकि अल्ट्रा वाइड इसमें नहीं मिलता, यानी 0.8x और 1x का ऑप्शन यहाँ पर मिल जा रहा है। वही वीडियो में अगर बात करें भाई, वीडियो में यहाँ पर जो आपको मिल जाता है फुल HD का ऑप्शन मिल जाता है, 4K मिल जाता है भाई। फुल HD में देख सकते हैं जरा एक बार FPS, अरे हाँ यहाँ FPS सेलेक्ट कर सकते हैं भाई फुल HD में आप फ्रंट कैमरे में, ये चीज़ काफ़ी सही है। मैक्सिमम जो फ़ोन आते हैं उनमें वीडियो रिकॉर्डिंग जब फ्रंट कैमरे से करते हैं उसमें केवल वाइड डिफॉल्ट 30fps का ही ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर 60fps का ऑप्शन मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी स्मूथ वीडियो ओवरऑल होने वाली भाई। 4K में जो FPS यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे 60fps पर स्विच करेंगे बाय डिफॉल्ट ये फुल HD पे चला जाएगा। और फीचर की बात करें, जैसे यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉक वगैरह मिल जाता है, फेस अनलॉक वगैरह मिल ही जाता है, ये तो बेसिक से फीचर, बाकी इसमें NFC वगैरह ही मिल जाता है, जो कि मोटोरोला S40 में भी था यहाँ पर, जो कि इससे पहले वाला वेरिएंट था। सो गाइस जैसे कि इस फोन में HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले भी पेंटोन कलर वाली डिस्प्ले है, और जो कि 1.5K डिस्प्ले है भाई, इसमें वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। बेसिकली इसमें जो कलर एक्यूरेसी वगैरह वो काफ़ी जरूरत यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर 4K HDR वीडियो प्ले करके देख लेते हैं यूट्यूब पर। सो गाइस फिलहाल 4K 60 HDR वीडियो प्ले हो रही है, जो कि 480p पे प्ले हो रही है, जो कि देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर फुल HD में प्ले हो रही है। सो गाइस फिलहाल हमने वीडियो स्विच कर दिया यहाँ पर फुल HD में, भाई क्या कूल यहाँ पर लग रही है, मतलब वीडियो देखने का एक्सपीरियंस जो जबरदस्त होने वाला है, अभी तक आपने जो फ़ोन लिए होंगे भाई उससे कहीं ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पर होने वाला है। कलर्स वगैरह जो काफ़ी प्रॉपर या काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, हालांकि कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो वीडियो देखने में लिटरली मज़ा आ रहा भाई। और 2K पे स्विच हो चुकी है वीडियो भाई कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। फिट टू स्क्रीन करते हैं, ओरिजिनल साइज ये है, और अब करते हैं हम इसको
जूम टू फील, ओहो हो क्या बात है भाई, क्या जबरदस्त यहाँ पर लग रही है, कलर वगैरह प्रॉपर नज़र आ रहे हैं भाई, फुल एचडी देखने में लिटरली मज़ा आ रहा है आँखों से, कैमरे में क्योंकि मैं देख रहा हूँ साथ साथ रिकॉर्ड करते हुए भी, तो इतना ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा लेकिन आँखों देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। सो भाई फिलहाल वीडियो स्विच हो चुकी है 4K 60 FDR पे, हालांकि मुझे थोड़ा पता नहीं अटकती अटकती नज़र आ रही कि ऐसी है पता नहीं चल रहा अभी, लेकिन भाई देखने में तो काफ़ी जबरदस्त ओवरऑल यहाँ पर लग रही है। अभी देख सकते हैं नेटवर्क जो आ रहा है 5G+ आ रहा है, ओहो कलर देखो गाइस क्या प्यारे नज़र आ रहे हैं भाई, वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा सुनने वाला, हालांकि ब्राइटनेस भी मैंने कम कर रखी है, अगर ब्राइटनेस को मैं यहाँ पर जो बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे डिस्प्ले में कैसा नज़र आ रहा है। मतलब एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है, जैसे मैं फुल ब्राइटनेस के साथ भी वीडियो देख रहा हूँ ना, आँखों पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इतना ज़्यादा जो लोड वगैरह नहीं आ रहा है, तो भाई कुल मिला के FTR वीडियो तो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर प्ले कर पाएंगे आप, इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, स्टूडियो स्पीकर इसके अंदर मिलता है, तो ऐसे में साउंड की क्वालिटी भी यहाँ पर जो चेक कर लेते हैं म्यूज़िक की क्वालिटी यहाँ पर कैसी होने वाली है। सो गाइस नो डाउट यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी जो सुपर है, बेसिकली डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, इसलिए म्यूजिक की क्वालिटी नो डाउट सुपर यहाँ पर होने वाली है। सो गाइस पबजी गेम प्ले की अगर बात करें, BGMI गेम प्ले की अगर बात करें, मैक्स सेटिंग इसमें कितनी मिल जाती है आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर सेटिंग मिल जाती है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की, भाई बैलेंस पे भी आपको जो यहाँ पर एक्सट्रीम की ऑप्शन मिल जाता है, और HDR पर भी आपको जो यहाँ पर जो एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, भाई HDR की अगर बात करें HDR पे भी यहाँ पर एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, भाई अल्ट्रा HDR पे जो आपको यहाँ पर अल्ट्रा ऑप्शन मिलता है। बेसिकली इस फोन में आप जो मैक्स सेटिंग पे जो गेमिंग कर सकते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे कर सकते हैं, 60 FPS पे इस ओवरऑल इस फोन में जो स्मूथ गेमिंग आप कर सकते हैं। भाई इस फोन के दो वेरिएंट आते हैं 8GB 256GB और 12GB 256GB, ऐसे में 8GB 256GB वाला वेरियंट जो है वो मिलेगा आपको 31,999, वहीं आपको 12GB 256GB वाला वेरियंट जो मिलेगा आपको 35,999 में। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो आपको 125 वाट का जो चार्जर मिलेगा वो आपको 12GB वाले वेरिएंट में ही मिलेगा, और जो 8GB वाले वेरिएंट में आपको मिलने वाला 68 वाट का टर्बो चार्जर यहाँ पर मिलेगा। ऑफर वगैरह लगा के लेंगे तो आपको जो 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इतने का ही लेना पड़ा, जैसे कि यहाँ पर हमने जो 35,999 में मंगाया, बेसिकली कार्ड वगैरह अवेलेबल होंगे तो ही आप जो ऑफर वगैरह ले पाएंगे। सेम जो बेस वेरिएंट पे भी होने वाला डीजी वाला वेरिएंट जो कि 31,999 का, उस पर भी आपको 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन कार्ड्स वगैरह अगर अवेलेबल होंगे तो। ऐसे में आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओवरऑल यहाँ पर फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट फोन जो काफ़ी प्रीमियम है, हालांकि मोटोरोला H40 में जो वीगन लेदर आया था ना वो काफ़ी कूल लगा था उस टाइम पर, लेकिन अब देखा जाए इस फ़ोन को तो ये काफ़ी ज़्यादा सोल्ड लग रहा है, डिज़ाइन भी काफ़ी इसका यूनिक सा बनाया जो कि प्रीमियम टाइप का आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो फील कराएगा। इसमें और कलर भी मिल जाता है, जैसे कि ब्लैक मिल जाता है, पर्ल वाइट मिल जाता है, और लक्स लेवेंडर करके ये कलर है। सो गाइस ओवरऑल फोन आपको कैसा लगा मोटोरोला S50 Pro कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।